हेलो एवरीवन, और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो अभी यहां पर सुबह का टाइम है मॉर्निंग का, और वीडियो मैंने मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर दिया है। तो अभी मैं अपना फ्रेश होकर आई हूं और ब्रश वगैरह करके, और उसके बाद सीधे मैं यहाँ पर चाय चढ़ा रही हूँ। चाय चढ़ा कर जब तक यहाँ चाय मेरी पकेगी, इतनी देर में मैं ये अपना दूसरा काम कर लूँगी। कल मैंने शाम को गेहूँ और चावल जो है वो धोए थे, तो उन्हीं को मैं फैला रही हूँ रात में। तो मतलब धो के और बोरी में भर के रख दिए थे। तो ज़्यादातर मैं गेहूँ जो है ना वो रात को ही धो कर रखती हूँ। सुबह बहुत कम हो पाता है, क्योंकि सुबह ना इतनी जल्दी जल्दी वाला टाइम होता है मॉर्निंग का, कि आप लोग तो जानते ही हो बच्चे का टिफिन विफिन करना कहीं ये वो, तो बहुत ज़्यादा काम होता है, और भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं सुबह सुबह वाले। तो ये सारे काम ना सुबह वाले टाइम में नहीं हो पाते हैं। एक कपड़े का और गेहूँ धोने का मैं ज़्यादातर शाम को ही करती हूँ। तो अभी देखिए, मैंने बस फटाफट से गेहूँ की जो दो बोरी है ना, ये मैंने अपने हस्बैंड से रखवा ली थी, वो उठ गए थे, तो मैंने उनसे कहा कि ये बोरी ऊपर रख दें ताकि मैं ना इनको फैला दूँगी। तो चावल भी मैंने धो लिए थे कि देखते हैं फिर क्या करना है। मुझे ना कीड़े वगैरह कुछ दिख रहे थे, तो मैंने सोचा चलो धो लेती हूँ। यूज़ तो आ ही जाते हैं, क्योंकि मैं धो के भी रख लेती हूँ ना, तो फिर इडली वगैरह ऐसी चीज़ें रेसिपी बनती रहती है ना, तो उसमें काम आ जाते हैं। तो बस यहाँ पर अभी कम धूप दिख रही है, क्योंकि एक तो हमारे छत में ना आम के पेड़ की वजह से ना विंटर के टाइम में बस बहुत कम धूप मिलती है, क्योंकि पूरा जो धूप है ना वो पेड़ के कारण ना एकदम छिप जाता है। तो देखिए पूरे छत में छांव रहती है, बहुत कम धूप रहती है। तो जहाँ पर फिर है ना विंटर में, जबकि ठंड यहाँ पर ना अच्छा लगता है धूप में खाना खाने में बैठने में सुबह के टाइम में, तो अच्छा लगता है। लेकिन अभी छांटना भी है मुझे पेड़, क्योंकि बहुत दिनों से हम सोच रहे हैं कि इसको कैसे कब करें क्या, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, मैं कर नहीं पा रही हूँ, अभी दूसरे चीज़ों में मैं बिज़ी हूँ। तो इस वजह से ना मैं अभी पेड़ को भी नहीं कर पा रही हूँ, और पेड़ पौधे भी बहुत ज़्यादा मुझे साफ़ सुथरे से करने हैं, इनका भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। पहले तो मैं हर हफ्ते वीक में या 15 दिन में ऐसे पेड़ पौधों को अच्छे से कर देती थी, मतलब जो सूखे ऊखे डगाल पत्तियाँ हटा देती थी और थोड़ी सी गुड़ाई वगैरह कर देती थी, तो उससे ना पेड़ पौधे अच्छे रहते हैं, और अभी भी हैं पर मैं कर नहीं पाई हूँ। वही काम मुझे करना है, मैं सोच रही थी और आज भी सोच रही थी कि शाम तक देखती हूँ टाइम मिलता है, ये काम ना शाम के टाइम में वही शाम के 4-5 बजे तक करूँ ना तो अच्छा लगता है, क्योंकि सुबह से तो वही है ये सब काम करने का टाइम मौका ही नहीं मिलता। तो बस ये काम करने हैं मुझे, पेड़ को भी छांटना है और अच्छे से जो सारे पेड़ पौधे उनको ठीक करना है। बहुत ज़्यादा पत्तियाँ हो गई हैं इकट्ठी, मैं वहीं पर झाड़ू लगाती हूँ ना तो वहीं करते जा रही हूँ, क्योंकि मुझे बोरी भी नहीं मिली थी, तो बोरी में भर के और मैं रख दूँगी, तो वो भी मेरे गमलों के काम आ जाएगी। तो ऐसे करके ना पत्तियों को मैं रखते जाती हूँ। तो चलिए मैं ऊपर से आ गई हूँ और गेहूँ चावल सब फैला दिए थे, और उसके बाद मैं यहाँ पर मेरी चाय भी बन गई थी, चाय मैंने निकाल ली है, और मैं अपने हस्बैंड से ही पूछ रही थी आप चाय पियेंगे कि नहीं, तो उनको ना मैं बार बार पूछ पूछ के बोलती हूँ, क्योंकि पर वो पीते नहीं हैं और फिर एक्स्ट्रा बन जाती है, और जिस दिन नहीं बनती है उसी दिन वो चाय मांगते हैं। तो है ना मतलब पूछ रही थी यहीं से खिड़की से, क्योंकि वो भी अपना जो मुँह है ना वो धो रहे हैं, तो कह मतलब उनको है ना अगर चाय थोड़ी सी जैसे ठंडी है नॉर्मल सी है तो निकाल दो, और अगर गर्म होगी ना तो फिर वो जल्दी रहती है ना तो पीते नहीं है, मतलब उनको बहुत ज़्यादा जल्दी होती है जाने की सुबह, तो वही बोल रहे थे अगर निकली रखी है तो मतलब ठंडी है हल्की सी तो निकाल दो। तो मैंने चाय निकाल दी, वहाँ पर रख के आ गई, जब तक मैं यहाँ पर ये अप्पे बना लेती हूँ। आज मैंने अपने कार्तिक को टिफ़िन बॉक्स में वेजिटेबल अप्पे दिए हैं,
सकता हूँ और थोड़ा सा सॉस। तो ये इसमें मैंने प्याज टमाटर मिर्ची ये सब डाला है और बस ये अप्पे बनाकर और मैंने उसके टिफ़िन में आज रख दिए। तो ये इतना बैटर बच गया था, मैंने सोचा चलो मैं अपने नाश्ते के लिए बना लेती हूँ। तो एक एक चम्मच देखिए मैं इनमें भर दूँगी। थोड़ा थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा लिया था और ये नॉनस्टिक है वैसे, इसमें तेल लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन मैं फिर भी हल्का सा लगा देती हूँ ताकि चिपके ना। कभी कभी होता है कि कोई एक आध ऐसा होता है कि जो चिपक जाता है। तो इनको मैं जब तक रख दूँगी धीमी आँच में करके, और जब तक मैं अपनी चाय वगैरह जो है ना वो पीऊँगी, और उसके साथ साथ मैं अपना एक काम और करते जाऊँगी। तो अभी देखिए मैं यहाँ चाय ले आई हूँ और थोड़ी सी मुझे सेकाई भी करनी है। ये वाला काम करना मैं हमेशा भूल जाती हूँ, भूल के आ जाती हूँ, एक तो टाइम भी नहीं रहता और पहले ना टाइम के बीच में यह काम करने की इच्छा भी नहीं होती। तो क्या हुआ था, जब मेरा हाथ का पलस्तर खुला था ना, तब डॉक्टर साहब ने बोले थे कि इसमें गर्म पानी की सिकाई या बर्फ की सिकाई जैसी भी हो सिकाई करते रहना। तो है ना बिल्कुल भी मेरा जो हाथ है ना बिल्कुल मूवमेंट सा मतलब है ना सा घूम नहीं रहा, जो कलाई है जैसे हमारी नॉर्मल हाथ में अच्छे से कलाई घूमती है, हम जैसे चाहे मोड़ लेते हैं उस तरीके से ये वाली हाथ की कलाई मेरी नहीं हो पा रही है। तो वही उन्होंने कहा था, और इसी काम में मुझे बड़ा आलस सा आता है और इसके पीछे मुझे डांट भी पड़ती है क्योंकि ये बैठे रहते हैं तो बोलते हैं सिकाई भी मत करना, ये नहीं करना। तो फिर मैंने रात को ही ना कटोरी में थोड़ा सा पानी रख दिया था ताकि बर्फ़ जो है ना वो जम जाए। तो पहले तो मैं ऐसा ही कर रही थी इसको बिना मतलब ऐसे, मैंने फिर मतलब सीधे बर्फ़ के साथ सिकाई कर रही थी। फिर मैंने सोचा इसको पॉलीथीन के अंदर करके रख के करते हैं क्योंकि है ना पानी भी वो गिरता है ना पिघलती है बर्फ़, तो वो भी गिर रहा था और बन बहुत ज़्यादा ठंडा भी लग रहा था। तो फिर मैंने इस तरीके से पन्नी में ना रख लिया है और उससे अच्छे से हो रही थी। तो ये फिर सिकाई कर लूँगी 5 मिनट और उसके बाद यहाँ पर जब तक मेरा नाश्ता जो है ना बीच बीच में ये देखती जा रही थी आकर, तो एक साइड पक गए थे तो दूसरी साइड फिर मैंने आके पलटा दिए थे। तो देखिए मेरे अप्पे जो है बनके तैयार हो गए हैं, कितने अच्छे बने हैं और बहुत अच्छे लगते हैं अप्पे, मतलब चटनी के साथ, तो चटनी सांभर के साथ तो और भी बहुत अच्छे लगते हैं। पर मैंने सॉस ले लिया, मुझे सॉस के साथ इतना खास पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता, लेकिन बड़ा आलस कर ली मैंने क्योंकि मुझे ना फिर मैंने सोचा अब कौन बनाए चटनी, और दाल रखी थी सांभर, मैंने को सोचा इसी में जल्दी से खा लेती हूँ क्योंकि फिर बाकी के और भी जो काम है ना वो भी तो करने हैं, तो इसलिए मैंने आलस कर दिया। तो अब बस मैं यहाँ पर अपना जो नाश्ता है ना वो कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं खाना पीना बनाऊंगी दोपहर का। और बस मुझे खाना बस बनाना है क्योंकि नहाने का काम जो है मेरा सुबह ही हो गया था। तो बस कार्तिक को मैंने स्कूल भेजने के बाद मैं सीधे नहाया और बस चाय वाय बनाई, गेहूं वेहूँ डाले, तो ये काम तो मेरे मॉर्निंग में मैंने जल्दी जल्दी कर लिए हैं। तो अभी मैं ना बस अपना जो नाश्ता है ना वो कर लेती हूँ। सुबह सुबह जल्दी जल्दी से नहाने धोने का काम भी कर लो ना तो फिर ज़्यादा काम नहीं रहता है, फिर लगता है कि हाँ चलो आधा बहुत सारे काम जो है ना हो गए हैं, तो अपन ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर अभी जो ये जो टाइम है वो इवनिंग का टाइम हो गया है शाम की चाय का। तो सबसे पहले मैं शाम के टाइम पे किचन में आकर यहाँ पर गैस को अच्छे से साफ कर लेती हूँ काउंटर टॉप को, क्योंकि दिन में जो खाना पीना बनाया था ना और रोटी वगैरह, तो फिर क्या हुआ कि मैंने साफ़ नहीं किया था और फिर मैं बैठ गई थी, तो बैठे बैठे फिर वही टाइम निकल गया और काम कर रही थी अपना। तो फिर मैंने सोचा चलो अब शाम को ही कर लूँगी इवनिंग टाइम में, आज ही ऐसा हो गया। और फिर कार्तिक आ जाता है ना तो फिर उसमें लग जाओ क्योंकि 2 बजे तो फिर वही आता है,
तो उसका भी फिर खाना पीना नहाना धोना 2 घंटे ही बचते हैं, तो उसका ट्यूशन का टाइम भी हो जाता है इस टाइम। तो अभी मैंने फटाफट से उसको ट्यूशन जो है ना वो पहुंचा दिया है, थोड़ा बहुत है कुछ खिला पिला देती हूँ उसको, जो उसको खाना रहता है तो वो बनाया। और फिर इसके बाद अभी मैं यहाँ पर गैस साफ कर रही हूँ, फिर बनाऊँगी मैं चाय बढ़िया सी। तो इस तरीके से मैं अपना जो इवनिंग का काम है ना वो करती हूँ, क्योंकि जब तक गैस साफ नहीं रहेगी ना कुछ बनाने का मन नहीं करता है। मतलब यहाँ पर जो काउंटर टॉप पे थोड़ा सा गंदा था इस वजह से, तो इसलिए मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी से पहले साफ़ करते हैं और फिर इसके बाद मैं चाय चढ़ा दूँगी। चाय बनने के बाद फिर जो और भी काम होंगे ना वो कर लूँगी। और अभी शाम के टाइम में मुझे कपड़े वगैरह भी भिगोने हैं, तो कपड़े वॉश करने हैं, काफ़ी सारे हो गए हैं इस बार, बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं। तो अभी 2-3 दिनों से घर का जो थोड़ा सा काम के बारे में, मतलब मेरे हस्बैंड ना अभी तो अभी ना दिन भर मेरे हस्बैंड ना क्लिनिक में बिजी हैं बहुत ज़्यादा। उनको है ना सुबह वही 10 बजे जाते हैं, तो 3-4 बजे लगभग आते हैं, आज उनको ये टाइम हो जा रहा है। तो थोड़ा सा काम चल रहा है उनकी क्लिनिक में, मतलब डॉक्टर साहब की, तो खाना खाने ऐसे बीच में आ जाते हैं, लेकिन वही है कि टाइम ना बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मैं ज़बरदस्ती उनको बुला लेती हूँ कि पहले खाना खा लो फिर करते रहना। तो कुछ काम चल रहा है क्लिनिक में, थोड़ा सा जो भी टूटा फूटा है रिपेयरिंग का और सफाई का, तो बहुत ज़्यादा मतलब है ना अकेले पड़ जाते हैं, बहुत बड़ा क्लिनिक है तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। किसी दिन मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, अगर मैं वहाँ तक पहुँच गई तो, मतलब जाती तो रोज हैं लेकिन फिर मतलब वीडियो नहीं बना पाती हूँ, तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। काफ़ी बड़ा है, 2-3 बहुत बड़े बड़े रूम हैं, जैसे हॉस्पिटल टाइप में होते हैं ना वैसे ही। तो इसलिए वो अभी इस समय वहाँ पर बिजी हैं, तो इसलिए मेरे जो कपड़े ना बहुत सारे इकट्ठे हो गए, तो कह रहे थे कि कपड़े फुला देना, तो मैं शाम के टाइम में ना वो कर दूँगा। तो फिर मैंने सोचा, और उनके भी बहुत सारे हो गए थे, इतने धूल डस्ट बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये अकेले रहते हैं क्लिनिक में तो सफाई चल रही है ना, तो इसलिए ऐसा हो गया, नहीं तो वो इकट्ठे नहीं हो पाते हैं इतने, 1-2 दिन में करते जाते हैं। तो मैं यहाँ पर सारे जो कपड़े हैं ना सर्फ के पानी में भिगो दे रही हूँ, 1 तसला से ज़्यादा हो गए थे और अंदर रखे हैं, पर थोड़े थोड़े करके मैं कर दे रही हूँ। और ये वाले जो काम होते हैं ना ये शाम के टाइम में ही मुझे अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों मुझे ये वाले जो काम होते हैं, से कपड़े धोना मतलब मैं अभी जब खुद धोती हूँ, अभी तो मैं नहीं धो पा रही हूँ, तो कपड़े धोना, कहीं गेहूँ को धोना, ये वाले काम ना इस टाइम पे ही अच्छे रहते हैं, थोड़ा ठंडा मौसम हो जाता है। वैसे ठंडा मौसम तो वैसे ही होने लगा है, लेकिन अभी और भी जो मौसम होते हैं ना उसके कारण मैं बता रही हूँ। तो कपड़े वगैरह मैंने भिगो दिए थे, 1-2 साड़ी बच गई है, मेरी साड़ी पहनी थी अभी बीच बीच में, तो वो साड़ी मैंने अभी नहीं डाली है, मैंने कहा बहुत सारे हो जाएंगे, सोचा उनको मैं बाद में धो लूँगी, धुल जाएंगे, तो मैंने अंदर रख दिए। और अभी यहाँ पर बस कपड़े वगैरह का काम करने के बाद, सारा क्लीनिंग इधर करने के बाद, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर जो खाना देख रही हूँ कि क्या बनाना है आज क्या नहीं, तो काफ़ी सारा यहाँ पुलाव जो है ना वो बच गया है। आज मैंने जो है मतलब वो कार्तिक के लिए पुलाव बनाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोल रहा था उसको, पता नहीं क्यों पुलाव हर वक्त पुलाव करता है, बहुत पसंद उसको। तो फिर मैंने आलू सोयाबीन की बरी जो है ना वो डाल के और सिंपल सा पुलाव जो है बना दिया उसको, ऐसे सिंपल भी बहुत ज़्यादा पसंद है और वो खा लेता है, तो इतना बच्चा है और अभी उसी ने बस खाया है, हम लोगों ने नहीं खाया, तो हमने उसी के हिसाब से बस बनाए थे। और मैंने हम लोगों के लिए तो बस शाम को हम लोगों के हिसाब से कुछ थोड़ा बहुत बनाना है, क्योंकि इसी के लिए बस मुझे ज़्यादातर सोचना पड़ता है कार्तिक के लिए, क्योंकि यही है इसके नाटक थोड़े से चलते रहते हैं खाने पीने के मामले में। तो वही और उसके लिए बढ़िया से ये पुलाव रखा है काफ़ी सारा, तो वो पुलाव जो है ना वो उसको वैसे भी खा लेगा और हम अपने लिए थोड़ा बहुत कुछ बना लेंगे रात को।
और चाय भी मैंने साथ के साथ चढ़ा दी है। तो बस मैं अपनी जो चाय है ना वो निकाल लूँगी। खाना पीना मतलब जो भी बर्तन थे वो भी मैंने खाली करके रख दिए हैं शाम के, और भी जो निकले हैं वो। तो यहाँ पर चाय बन गई है, मैं अपनी चाय निकाल लूँगी। और आज गिलास में चाय निकाल रही हूँ, एक दो दिनों से पता नहीं क्यों मैं गिलास में चाय पी रही हूँ। ये पानी का गिलास है पर पता नहीं क्यों मुझे ना बड़ा अच्छा लग रहा है इसमें चाय पीने में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग है ना मैं इसी के साथ एंड करती हूँ। आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए शाम की चाय फ्रेंड। तो चलिए मैं मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।